फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। कितनी दिक्कत होती है ना कि भाई बच्चा बोलता तो बहुत कुछ है पर बिस्तर में बैठे बैठे सुसू कर देता है, कपड़ों में ही पॉटी कर देता है, कितनी दिक्कत होती है ना। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैम मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है और अब दिक्कत ये है कि रोज मैम कंप्लेन कर रही है कि ये कपड़ों में सुसू कर देता है, कपड़ों में पॉटी कर देता है, अब मैं क्या करूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी सिंपल बातें जिनका ध्यान रख के आपका बच्चे को आप पॉटी ट्रेन कर सकते हैं, मतलब उसे सिखा सकते हैं कि कैसे उसने ये बताना शुरू कर देना है कि अब उसे सुसू आ रही है या अब उसे पॉटी आ रही है। सबसे पहली बात जो आपने बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखनी है वो ये है कि जिस दिन से आपके बच्चे ने बोलना शुरू कर देना है उस दिन से आपने उसको डायपर पहनाना बंद कर देना है। हम लोगों के साथ पता दिक्कत यही है कि यार हम अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में बच्चों को डायपर पहना देते हैं। अब बच्चा घर से बाहर जा रहा है, ये दूसरों के घर में सुसु कर देगा या बाहर जाके सुसु सुसु बोलेगा, इसलिए डायपर पहना देते हैं। हमारे जमाने में जब मैं उतनी छोटी थी ना, हमें तो कोई डायपर नहीं पहनाता था, तो इसीलिए शायद हम लोगों ने बोलना शुरू भी कर दिया। बट हमारे बच्चे को हमने अभी तक इतने कंफर्ट जोन में रखा हुआ है ना कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसने अंडरवेयर में सुसु करी है कि उसने डायपर में सुसु करी है। आजकल के जो डायपर है ना वो इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने डायपर पहना हुआ है, इसीलिए वो शायद सुसु कर देते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है। तो आपने क्या करना है, जिस दिन से आपके बच्चे ने बोलना शुरू कर देना है ना उस दिन से आपने उसको डायपर पहनाना धीरे धीरे कम कर देना है और कुछ टाइम बाद बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरी चीज, आपने जब खुद सुसु जाना है ना, ये पॉटी जाना है, आपने बच्चे को बता के जाना है कि बेटा अब मम्मा सुसु करने जा रही है, वहां पे सुसु करते हैं, बाथरूम की तरफ इशारा कीजिए, बोलिए वहां पे सुसु करते हैं, तो आप, मैं सुसु करने जा रही हूँ, जब आपको सुसु आएगी ना तो आपने भी वहीं करनी है। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में एक जगह क्लियर हो जाती है कि उसे जाके सुसु कहाँ करनी है। बेसिकली होता क्या ना, हम बच्चे को कुछ बोलते ही नहीं है तो उसे लगता है मैं कहीं भी सुसु कर दूं, बेड पे कर दूं या सोफे पे कर दूं, जहां भी कहीं भी बैठ के सुसु कर दूं। आपने बच्चे को क्लियर करना है, आपने खुद बच्चे को बता के जाना है कि बेटा मैं सुसु करने जा रही हूँ वहां पे, तो आपको भी जब सुसु आएगी ना तो आपने वहीं पे जाना है। तीसरी चीज, हर आधे आधे घंटे में बच्चे से खुद पूछना शुरू कीजिए कि अगर बेटा तुमको सुसु आ रहे हो ना तो चलो वहां सुसु कर लेते हैं। क्या होता है ना, हम लोग पूछते ही नहीं है और बच्चा जहां बैठा है वहीं सुसु कर देता है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या मैम बच्चों के लिए छोटा वाला पॉट लेना सही है। देखिए, आप वो ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट मेरी मानिए तो बाद में उसकी आदत छुड़वाना भी एक टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को बड़े पॉट पे बिठाएं। मेरा बेटा अभी 3 साल का है और वो आराम से बड़े पॉट पे बैठ के पॉटी कर लेता है। आप क्या कर सकते हैं, शुरू शुरू में बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है तो आप उसके हाथ पकड़ के उसे पॉटी करवा सकते हैं, पर छोटे पॉट मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी क्योंकि बाद में आपको उसी की आदत छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा है ना तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।